assalamu alaikum students i hope you are all fine welcome to Refulgent public school online lecture student today our lesson is chapter number 9 chemical equilibrium in our previous lecture we have discussed about some types of chemical reaction about forward reactions and reverse reactions so uh, here is also discussion of some reactions First of all we have to be compared the reverse reaction and forward reactions so uh, number one in forward reaction it is the reaction which, in which reactants react to form product this may reaction ऐसा रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट्स जो हैं वो कंबाइन होंगे प्रोडक्ट्स बनाने के लिए वायल इन रिवर्स रिएक्शन इट इज़ द रिएक्शन इन विच प्रोडक्ट रिएक्ट टू प्रोड्यूस रिएक्टेंट्स यहाँ पे प्रोडक्ट दोबारा से ब्रेक ब्रेक डाउन होंगे उनकी डिकम्पोजिशन होगी और वो दोबारा से रिएक्टेंट में चेंज हो जाएंगे सेकेंड है टेक प्लेस फ्राम लेफ़्ट टू तो राइट ये लेफ्ट टू तो राइट होगा और रिवर्स रिएक्शन इट टेक प्लेस फ्राम राइट टू लेफ़्ट स्टार्ट में जब रिएक्शन प्रोसीड होगा तो इनिशियल स्टेज में फॉरवर्ड रिएक्शन फास्ट होगा लेकिन जो जैसे रिएक्शन प्रोसीड होगा इन द बिगनिंग द रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन इज निगलिजिबल फिर क्या होगा फॉरवर्ड रिएक्शन इट ग्रेजुअली स्टॉप स्लो डाउन जैसे जैसे रिएक्शन फास्ट होता जाएगा तो जो फॉरवर्ड रिएक्शन है वो स्लो डाउन होता जाएगा क्योंकि ज़्यादा से जो रिएक्टेंट्स हैं वो प्रोडक्ट में चेंज हो चुके होंगे और रिवर्स क्या इट्स स्पीड अप ग्रेजुअली और ये अचानक से जो है ये रिवर्स रिएक्शन ये फास्ट अप हो जाएगा सो देयर आर सम माइक्रोस्कोपिक करेक्टरस्टिक्स ऑफ डायनामिक इक्विलिब्रियम एक्विलिबियम फ्यू इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ डायनामिक इक्विलिब्रियम इज गिवन बिलो इट इज़ ओनली अचीवेबल इन क्लोज सिस्टम ये जो है रिएक्शन uh, ये सिर्फ क्लोज सिस्टम में अचीवेबल है एट इक्विलिब्रियम स्टेट द रेट ऑफ रिएक्शन डज नॉट स्टॉप फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन कीपिंग ऑन टेक प्लेस एट द सेम रेट बट अपोजिट इन डरक्शन दोनों जो हैं वो इक्वलिबियम स्टेट पर होंगे जितना फॉर्वर्ड रिएक्शन प्रोसीड हो रहा है उतना ही रिवर्स रिएक्शन प्रोसीड होगा लेकिन यह अपोजिट होंगे कंसन्ट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट डज नॉट चेंज एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज रिमेन द सेम अब इस रिएक्शन uh, की प्रॉपर्टी क्या है कि uh, जितनी भी कंसन्ट्रेशन है मतलब जितने अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट्स जो हैं वो प्रोडक्ट में चेंज हो रहे हैं उतनी ही अमाउंट में जो प्रोडक्ट है वो रिएक्टेंट में चेंज होंगे और उनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है वो सेम होगी जैसे हमने हाइड्रोजन आयोडाइड की एग्जांपल को डिस्कस किया था तो रिमेंबर डैट कि हमारे पास जो हाइड्रोजन आयोडाइड हाइड्रोजन गैशियस स्टेट में था और आयोडीन भी गैशियस स्टेट में था जब उनका हमने रिएक्शन करवाया था तो हमारे पास हाइड्रोजन आयोडाइड सल्यूशन फॉर्म में आया था लेकिन जब वही रिवर्स में हुआ था तो दोबारा से हमारे पास वो गैशियस फॉर्म में आ गया था तो इस तरह इनकी कंसनट्रेशन और फिजिकल प्रॉपर्टी सेम रहती है एट इक्विलिब्रियम, इट अटेन एबल फ्राम आइदर वे स्टार्टिंग फ्राम रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स मतलब कि हम दोनों साइड से अगर हम लोग रिवर्स रिएक्शन में से आ, चाहें तो उसमें से हम आ, जो है वो आ, अपने इस, नीडेबल थिंक को ले सकते हैं जो हमें चाहिए हो और अगर हम लोग चाहें तो हम लोग जो है वो रिवर्स रिएक्शन में से ले सकते हैं एट इक्विलिब्रियम एंड इक्विलिब्रियम स्टेट कैन डिस्ट्रीब्यूटेड एंड अगेन अचीवेबल अंडर गिवन कंडीशन ऑफ कंसंट्रेशन प्रेशर एंड टेम्परेचर मतलब कि इक्विलिब्रियम स्टेट जो है वो डिस्टर्ब भी हो सकती है और उसको दोबारा से अचीव भी किया जा सकता है अंडर द कंडीशन ऑफ कंसंट्रेशन प्रेशर एंड टेम्परेचर मतलब कि अगर हम उसकी जो है वो फिजिकल स्टेट कोई भी चीज़ चेंज कर दें तो उसमें डिस्टर्बेशन भी हो सकती है लेकिन रिएक्शन जो है वो दोबारा से इक्वल रेट पर आ सकता है सो हियर इज द लॉ ऑफ मास ऑफ एक्शन गुलबर्ग एंड वेगन इन एटीन सिक्सटी नाइन पुट फॉरवर्ड दिस लॉ अकॉर्डिंग टू लॉ द रेट एट विच आर सब्सटेंस रिएक्ट इज़ डायरेक्टली प्रपोर्सन टू इट्स एक्टिव मास एंड द रेट ऑफ रिएक्शन इज़ डायरेक्टली परपोर्सन टू प्रोडक्ट ऑफ द एक्टिव मासिस ऑन द रिएक्शन सब्सटेंस इसके मुताबिक उसने कहा कि हमारे पास जो रेट ऑफ फॉर्वर्ड रिएशन है रेट एट विच सब्सटेंस रिएक्ट जिस रेट पर सब्सटेंस रिएक्ट कर रहे होते हैं वो उसके एक्टिव मासिस के डायरेक्टली

और वही जो रेट है वो उसके एक्टिव मासिस के प्रोडक्ट के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है जनरली एंड एक्टिव मास इज़ कंसीडर्ड एज मोलर कंसनट्रेशन जो रिएक्शन हम लोग जितने अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट यूज़ कर रहे हैं वो इसमें होगा एक्सप्रेसड एज मोल पर डेसीमीटर क्यूब और इसको हम लोग ब्रैकेट में लिखते हैं फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर रिवर्सिबल रिएक्शन आपको शो किया गया है ठीक है फॉर एग्ज़ाम्पल द रिवर्सिबल रिएक्शन ऑफ द टाइप ए प्लस बी दो कंसनट्रेशन जो है मोल पर डेसीमीटर क्यूब के हिसाब से हमने लिए हैं ऊपर देखिए के एफ है ये रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन शो कर रहा है और नीचे के आर है रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन शो कर रहा है जब ए और बी जो है वो रिएक्ट करेंगे तो हमारे पास प्रोडक्ट क्या आएगा सी और डी आ जाएगा और जब यही सी और डी दोबारा से रिएक्ट करेंगे तो हमारे पास दोबारा से रिएक्टेंट्स ए और बी आ जाएगा सपोज ए बी सी एंड डी आर द मोलर कंसनट्रेशन एज मोल पर डेसीमीटर क्यूब ऑफ ए बी सी एंड डी रिस्पेक्टिवली अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ मास एक्शन रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन हम कैसे लिखेंगे देखिए फॉरवर्ड रिएक्शन में हमारे पास क्या हो रहा था ए और बी जो हैं वो दो रिएक्टेंट्स हैं वो कंबाइन होकर सी और डी में कन्वर्ट हो रहे थे तो हम लोग रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन कैसे लिखेंगे ब्रैक ब्रैकेट में जैसे पीछे बताया गया कि इसको ब्रैकेट में शो करते हैं ए और बी एंड के एफ मतलब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी सो so, uh, जो है सिमिलरली रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन हम कैसे लिखेंगे रिवर्स रिएक्शन में जो प्रोडक्ट थे वो रिवर्स होने थे सो so, प्रोडक्ट हमारे पास क्या आए थे सी और डी सो सी एंड डी दोनों को ब्रैकेट में लिखेंगे के आर मल्टीप्लाई बाय सी और डी मतलब रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू Product of C and D, where Kf and Kr are the proportionality constant, called the specific rate constant of forward reaction and reverse reaction. Kf shows the uh, forward reaction and Kr show the reverse reaction. So, at equilibrium state, the rate of forward reaction is equal to rate of reverse reaction. So, Kf is equal to a इन टू प्रोडक्ट ऑफ बी इज इक्वल टू के आर इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ सी एंड डी अब इन दोनों को अगर हम इक्वेशन फॉर्म में लिखते हैं सो के एफ़ बाई के के आर बाई के एफ सी और डी एंड ए और बी ठीक है ये ऊपर नीचे आ जाएंगे इक्वेशन फॉर्म में सो so, जब हम इनको इस फॉर्म में लिख रहे हैं वेअर के सी मतलब के रेट ऑफ फॉर्वर्ड रिएशन डि रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन डिवाइडेड बाई रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू के सी के सी क्या है यहाँ पे इक्विली बी constant and it is represented as Kc is equal to rate of forward reaction divided by rate of रिवर्स रिएक्शन ठीक है मतलब कि जो है के, 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 सी इज इक्वल टू के एफ़ बाय के आर के एफ हमारे पास सी और डी का प्रोडक्ट था और के आर हमारे पास ए और बी का प्रोडक्ट था सो लॉ ऑफ मास एक्शन डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन एक्टिव मासिस ऑफ द रिएक्टेंट एंड द रेट ऑफ रिएक्शन सो ये लॉ ऑफ मास एक्शन किस लिए यूज़ किया जा रहा है रिलेशनशिप को शो करने के लिए एक्टिव मासिस जो कि हमने ए बी सी और डी लिए थे मोल पर डेसीमीटर के से हिसाब से और उनके जो रिएक्टेंट्स बन रही हैं जो फॉरवर्ड रिएक्शन प्रोसीड हो रहा है और जो रिवर्स रिएक्शन प्रोसीड हो रहा है उसके रिलेशन को शो आउट करने के लिए